बढ़िया लग रहा है, मैं पहली बार मिला पिस्ताची से और ये ऑर्डर जमा रहा है बार बार। आगे बहुत जल्दी भैया के 1,00,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं। अरे मैं इसकी सासी की दादी हूँ, सासी मेरी नतेड़ी है, वो मेरी मौसी है। काफी मजा आ गया, इस बार की दिवाली मेरी केदारनाथ में ही थी। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड की हसीन वादियों में और साक्षी नेगी ब्लॉग्स में। बाकी आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह 9 बजे से और मम्मी भी ना सुबह सुबह खेत चली गई हैं और अब ना मेरी तैयारी भी हो रही है घास लेने के लिए। अभी मैं अपनी गौशाला में भी पहुंच चुकी हूँ। यहाँ पे ना सौम्या और सौम्या का बेबी भारी पे है। दादी जी भी आ रखी हैं छत में धूप सेकने के लिए। कैसे हो? ठीक हूँ, बहुत बढ़िया। बच्चों कैसे हो आप? ठीक ठाक हो? खुशी कितनी हो रही है? खुशी बहुत हो रही है, बीमारी लग गई। दादी जी के भी पैर में फिर से दर्द शुरू हो गया। पता नहीं आजकल क्योंकि ठंड हो रही है और ठंड के मारे ना सीधे दर्द होने लगता है, तो इसलिए बैठे रहो। ठीक है दादी। और सारी दाल तो खत्म हो चुकी हैं, बाकी अभी ना बस ये वाली दाल रह रखी है जिसको तोर की दाल बोला जाता है। सभी लोग लगे हुए हैं गोबर डालने पे। हेलो, ये भी गोबर डालने के लिए घर आ रखी है आजकल। दादी जी भी आ चुकी हैं घास लेके और मेरा टाइम अब हो रहा है और दादी जी के साथ साथ दोनों सासू बुआरी भी घास ले आए। कहो अगेन तुम। सभी लोग तो घास लेके आ चुके हैं और मेरा टाइम अब हो रहा है और अब ना कड़क वाली धूप भी लग चुकी है, तो मम्मी डांटेंगी जरूर कि अब आ रही है तू, तब से मैं 1 घंटे पहले आ गई थी। मम्मी जी भी यहाँ पे आ गई थी घास लेने के लिए। दर्द वैसे हो रहा है पर थोड़ा तो कम है, तो इसलिए मम्मी ने बोला मैं जाती हूँ बस। हाँ मामी, खेत में भी पहुंच चुकी हूँ, फटाफट से घास निकाल लेते हैं। और हम ना रोज इसी खेत में आते हैं ज़्यादातर घास लेने के लिए। यहाँ पे हमारे 5-6 खेत ना सारे साथ में हैं और सब में घास ही होता है, तो इसलिए ज़्यादातर घास यहीं से ले जाते हैं। और आजकल ना घास निकालते निकालते सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि बहुत सारे कुम्मर लग जाते हैं। अभी ऐसे झाड़ी के अंदर आ रखे हैं कि जहाँ बहुत सारे कुम्मर ही कुम्मर हैं। कुम्मर के पौधे ये होते हैं, ये देखो जो ये दिख रहे हैं ना फूल की तरह काले काले, यही कुम्मर हैं। कैमरा क्वालिटी बहुत ही अच्छी आ रही होगी क्योंकि भैया के पुराने फोन से ये व्लॉग बन रहा है। और जो आपको ये कीड़ा दिखाई दे रहा है ना, दिखने में तो बहुत ही प्यारा होता है पर इसको बोला जाता है झिज्जू। और अगर ना हमने उस झिज्जू को टच कर लिया तो हमारे हाथ पे ना उसके जितने भी शरीर के बाल हैं, वो बाल नहीं वो कांटे हैं, और हमारे हाथ पे चुभ जाएंगे। उसके बाद हाथ पे बहुत ज्यादा खुजली होगी और वो कांटे निकलते भी नहीं है। जैसे कंडाली का पौधा होता है ना बिच्छू घास, सेम वो भी झिज्जू भी वैसा ही होता है। ठीक, हम रोड के ऊपर घास लेने के लिए आ रखे हैं। रोड के ऊपर भी ये सारे खेत हमारे हैं और रोड के नीचे भी एक खेत हमारा है ना। हमने थोड़ा बहुत घास भी निकाल दिया है। अभी पता है हमारी तैयारी क्या हो रही है? कद्दू निकालने की, जो कि ना पीले हो रखे हैं दो कद्दू। तो हम पहले ये घास चारों तरफ नीचे पे बिछा देंगे ताकि कद्दू फटे, अगर फट गया तो फिर उसकी सब्जी बनाएंगे और फटा नहीं तो उसको ना रेठा बनाने के लिए पीला होने देंगे। ना घास बिछा रहे हैं ताकि यहाँ से घिरेगा सीधे नीचे। और कद्दू मैं आपको दिखा दूँ, ये देखो ये हल्का से ये दिख रहा है और एक ये वाला है। दो गाइस, राधे राधे सभी लोगों को। हम कर रहे हैं भैया कद्दू निकालने का जुगाड़। तो एक लंबे से डंडे पे मम्मी ने दरांती बांधी है चुन्नी के सहारे से। अभी क्या पता कैसा कद्दू का नसीबा, कैसा हमारा नसीबा है। कद्दू अच्छा निकला तो ठीक है, नहीं निकला तो फिर ये वाला कद्दू है। देखो गाइस, साखी जा रही पेड़ पे कद्दू निकालने। अभी देखते हैं आज की मेहनत सफल होती है नहीं। आपकी है मेरी आज की मेहनत। अच्छा, आज की। अब लो डंडा, देखते हैं क्या होता है, निकलता है सही सलामत कि नहीं निकलता है। निकलेगा तो फिर आपको भी खिलाएंगे रेठा। निकलेगा तो बल्ले बल्ले, निकलेगा तो भाई गया काम भैंस पानी में। आराम से अच्छी, आराम आराम से फूटा तो रे राम। बच गया, बच गया। गाइस फाइनली सही सलामत हमारा कद्दू निकल गया है। हमको तो लगा था कि फूट ही जाएगा, कोई उम्मीद नहीं थी, पर वो आपके सामने है। इतना बड़ा कद्दू निकाल लिया है, देखो अब ये गिराएगी नीचे सड़क पे। भाव रही तो ये इतना भारी है ना बता नहीं सकते, इतना दिखाई भी नहीं दे रहा। और ये हमारे खेत के साइड पे था इसलिए बंदरों ने नहीं देखा और बच गया हमारा कद्दू।
काम चोर है। बाकी यहाँ देखो भाई दादी जी भी घास ले आई है। अभी ना यहाँ पे मुझे मौसी जी मिली। मौसी जी ना पता नहीं कितनी सुबह उठ के वार्ड गांव से टहला आई, दाल भी काट ली और अब घर जा रहे हैं। कैसे आप? बहुत बढ़िया यार। क्या हो रहा है आजकल? मौसी लड़की बीच गोमटी मैं दादी बोलूंगा सरकार नौकर बोलता अब चुप रहा यही नहीं मैं बोल गढ़वाल छू मैं मैं अरे मैं इसकी सासी की दादी हूँ, सासी मेरी नतेड़ी है, वो मेरी मौसी है, क्या बोन तारी अपने गोरे भाषा से गोरे भाषा बना बहुत बड़ी अच्छी लड़की चाहिए लड़का भी हो मत है नहीं आई बेच दिया आई ते दिन तेरह आठ बटे बेटे गए फूलू मैं तभी नहीं मिल कर अभी ना दादी जी से मिले तो एक घंटा तो पूरा दादी जी से बात किया। 9 बजे मैं खेत में आ गई थी और अभी ना 10:30 से भी ज्यादा हो गया। अभी फटाफट से देर हो रही है तो जल्दी जल्दी ना कोई पेड़ काट लेते हैं, पेड़ की टहनियाँ और घर चलते हैं। यहाँ पे ना सैतूत का पेड़ है और इसकी टहनियाँ काट लेती हूँ मैं भी फटाफट से। ना ये कद्दू की बेल भी सूखने लग गई तो मम्मी इसको भी निकाल रही है। साथ में ना हमने भैया से एक कंडा भी मंगाया था कद्दू ले जाने के लिए। मम्मी ने अपने कंडे में 2 कद्दू रख लिए हैं। मम्मी कद्दू ले जाएंगी और मैं ना घास का भरा ले जाऊंगी। ठीक है अभी दिन के 11:30 हो रहे हैं। बाकी थंबनेल देख के आपको पता लग ही गया होगा कि आज का व्लॉग क्या स्पेशल होने वाला है। मम्मी को बहुत ज्यादा प्यास लग गई है। बाकी हमारे यहाँ पे ज्यादा संतरे होते नहीं है क्योंकि पेड़ बहुत ज्यादा बुढ़ा हो गया, पुराना हो गया। एक संतरा तोड़ते हैं यार थोड़ा बड़ा बड़ा। ये रहा संतरा। लो जी भाई जय सिंह भी आ चुका है भागते हुए। इन बंदरों ने ऐसा आतंक मचा रखा है ना। ये क्या? ओह 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 ले क्या नाम भाषा बोल रहे थे बंदरों को भगाने के लिए। वो बंदरों को भगाने वाली भाषा है कोई, पता नहीं क्या है उसका मतलब। खाना पीना खाया, थोड़ा सोई। अभी ना मैं किचन में आ चुकी हूँ। बहुत दिनों से घसाई लिपाई नहीं की तो आज घसाई लिपाई करनी है। पहाड़ी किचन कुछ ऐसा होता है। यहाँ अभी मैंने झाड़ू लगाया तो थोड़ा मिट्टी की धूल ना उड़े पानी छिड़का था। इधर आज सुबह सुबह ही बिल्ली ने दूध गिरा दिया था। नीचे तो हमने लाल मिट्टी से घसाई कर रखी है, ऊपर हमने ये थोड़ा अलग मिट्टी है। मुझे ऊपर की लिपाई नहीं बल्कि नीचे की लिपाई करनी है। तो अभी ना अच्छे से घसाई लिपाई भी कर दी है। सूखने के बाद दिखाऊंगी कि लिपाई करने के बाद पूरा किचन कैसे चमक जाता है लाल लाल। आजकल हमारे यहाँ हर दूसरे दिन रोज पानी आ रहा है तो मम्मी यहाँ पे लगी हुई है पेड़ों को पानी देने में, क्योंकि पेड़ों को भी बहुत टाइम हो गया पानी पिए बिना और बारिश भी नहीं हो रही है। इसीलिए हमारे गुलाब के पौधे पे ढेर सारे गुलाब आ रखे हैं। अभी हो चुका है शाम का समय। बाकी भैया भी आ चुका है घर। तो कैसी रही आपकी यात्रा? जय श्री केदारनाथ दोस्तों, काफी मजा आ गया। इस बार की दिवाली मेरी केदारनाथ में ही थी और बहुत बढ़िया थी। सभी लोगों ने पंचमुखी के ढोली के दर्शन भी किए और मैंने यही सोचा कि इस बार थोड़ा दिवाली में चले जाएं। हर साल तो घर पे मनाते हैं, इस बार बाबा के चरणों में मनाई जाए, तो इस वजह से मैं केदार गया। और घर पे ना भैया लोग पापा लोग भी नहीं आए थे, आपके बार समेत भी नहीं आया था, तो इसीलिए मेरे को नानी औरों के यहाँ जाना पड़ा क्योंकि घर पे कुछ नहीं था। बाकी मम्मी लगी है यहाँ पे भैया का बैग खोलने पे, पर इस पे ढेर सारे कपड़े हैं। इसमें तो ये निकले भाई। और हम खा रहे हैं यहाँ पे गर्मा गर्म समोसे और चाय। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30। चारों तरफ धुंध भरी धूप भी लग चुकी है और हम ना खेत में भी आ गए थे। मम्मी ने लगे हाथ इतना सारा न्यार भी बांध लिया और उधर मम्मी न्यार काटने पे लगी हुई है। मम्मी तो ना मुझसे पहले आ गई थी सुबह सुबह खेत में। कैसे हो? सभी लोगों को जय माता दी।
ठीक हो भाई, आप कैसे हो? और मम्मी को ना बोलते बोलते ना कि अभी थोड़ा रेस्ट करो, दर्द ठीक हो गया, तो मम्मी बोले नहीं मैं खेत में जाऊंगी। ठीक भी नहीं हुआ भाई, हो रहा दर्द है। तो चलो अभी काम पे लगते हैं न्यार काटने पे। सबसे बढ़िया बात ये है कि आज ज्यादा धूप नहीं लगी है ना, तो खेत में काम करने के लिए बहुत ही बढ़िया होगा। अभी ना मम्मी की बस के घर ले जाने की तो नहीं है, तो मम्मी काटने पे लगी हुई है और भैया मैं तो घर ले जाने पे लगे हुए हैं। तो यहाँ पे मम्मी ने मेरा भरा भी रेडी कर दिया है और भरा बहुत ज्यादा बड़ा दिख रहा होगा, पर क्योंकि ये बहुत ज्यादा सूखा है ना, इसलिए बहुत ज्यादा हल्का भी हो रहा है। सब लोग रेस्ट करने के लिए कह रहे हैं। कौन लोग? सभी सब्सक्राइबर लोग कह रहे हैं। मम्मी को, पर मम्मी तो मान ही नहीं रही, क्या बोल सकते हैं। मत उठाओ, वो हिम्मत उठाओ। मम्मी को लग रहा है दर्द ठीक हो गया ना, तो बस अब काम कर सकते हैं। सब्सक्राइबर लोग हमको इतना ज्यादा डरा रहे हैं ना, डरा नहीं रहे, सच बोल रहे हैं कि अभी मम्मी को रेस्ट करना चाहिए और ज्यादा भारी काम नहीं करना चाहिए, पर मम्मी लगी हुई है। उठाते हैं, बस तो मेरे भी पैर में दर्द हो रहा है। दिखने में इतना बड़ा लग रहा है पर हो बहुत ज्यादा हल्का रहा है, पर अभी चढ़ाई पे भी जाना है तो खुद भारी हो जाएगा। अभी ना एक भरा लाने के बाद मेरे को दोबारा खेत में जाना है और साथ में ना पानी लेके भी जा रही हूँ, क्योंकि पानी होता है बहुत ज्यादा जरूरी। जो हमारी करेले की बेल है इस पे से हमने ढेर सारे करेले खा भी लिए, अभी तक के फूल भी लग रहे हैं और छोटे छोटे ना करेले भी आ रखे हैं। साथ में आजकल सभी लोग अपने खेतों में गोबर ढालने पे लगे हुए हैं और हमने ना अभी तक स्टार्ट भी नहीं किया और लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने तो ढाल के खत्म भी कर लिया ये काम। तो हमने किसी से ना खेत का न्याय रखा था, तो उसके बदले में ना वो हमारे यहाँ से गोबर ढालेंगे अपने खेतों में, तो उन्होंने भी आधा कौन का गोबर का खाली भी कर दिया। बाकी आज का मौसम देख के ऐसे लग रहा है कि आज से ना ज्यादा वाली ठंड स्टार्ट हो चुकी है। और अभी देखो, हमेशा मैं स्वेटर लाती थी और अभी स्वेटर भी घर पे भूल गई। अभी ना अपने खेत में ताई और चाची जी भी आ चुके हैं। कैसे हो आप? अच्छा, और हमारी दरांती पे भी लगा दो साथ में दाल। अभी फाइनली इस खेत का हमने पूरा न्यार काट दिया है और अभी ना घास लेने के लिए भी जाना है, क्योंकि घर पे गाय भैंसों के लिए बिल्कुल भी घास नहीं है और सुबह के बज रहे हैं अभी करेक्ट 10:11। तो चलिए अभी दूसरा भारा भी उठा लिया है, वाला खेत भी खाली हो चुका है। अब ना हमको घास के लिए जाना है, इसको पहले हम घर पे रख के आएंगे। काम तो हमारा दिन भर सुबह शाम दिन रात चलता रहता है। कोई कोई गांव की महिलाएं तो ऐसे बोलती हैं, रात भी ना हो तो हम रात भर भी काम ही करें। अभी फाइनली हमने सारे न्यार का खुम्बी लगा दिया है और अभी दिक्कत ये हो गई कि मम्मी नीचे कैसे आएंगी। हैं माता जी, कैसे आओगे आप? इन्हें थोड़ा दिमाग लगाया और सीढ़ी ले आया। वही तो ये सीधे सीधा ही काम हम इतने के बड़े। ये जरा बची। अभी हमारे यहाँ खास मेहमान लोग आ चुके हैं। हेलो भाई, बढ़िया। तो अभी ना कुछ है क्या? कुछ है क्या? क्या बोला? तो अभी ना निकिता आ रखी है हमारे यहाँ और मैंने सोचा आज कैसे आ गई भाई हमारे यहाँ पर, ये आ रखी थी काम से कि इसकी दीदी की शादी है तो शादी में जैसे घी की जरूरत पड़ती है, तो ये हमारे यहाँ आज घी लेने के लिए आ रही थी। और दोस्तों, इसने मुझे घी दिया है 700 रुपए में। कोई कोई डिस्काउंट डिस्काउंट नहीं देती है मुझे, जबकि मेरी दोस्त डब्बा फ्री में दे दिया घी का। वो बोल रही है कि डब्बा वापस लेके आना। वो तो लानी ही है। भी हो चुका है शाम का समय, चाय भी हमने पी ली और आपको मिलाती हूँ एक खास मेहमान से, भैया जी से। कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। हेलो साक्षी और सारे व्यूअर्स को जय श्री केदार। तो बढ़िया लग रहा है, मैं पहली बार मिला भी साक्षी से और साक्षी का वो वाला ब्लॉग देखा था मैंने, जिसमें साक्षी ने बिल्कुल मोटी कमाई दे दी थी अपने घर वालों को। तो बाकी मैं देख रहा भाई साक्षी इतना काम करती है, उसके साथ ब्लॉग भी बनाती है, कॉलेज भी जाती है। और बाकी मुझे पता चला कि यहाँ से जो तिलवाड़ा मार्केट है ना, साक्षी अकेले ही जाती है, बोला पैदल पैदल यहाँ से 10 किलोमीटर है। हमारी कल स्कूटी में आती है, हालत खराब होगी। मैंने कहा साक्षी कैसे जाती होगी। तो बहुत अच्छा है कि अपनी पढ़ाई के साथ साथ घर भी मैनेज कर रही है और यूट्यूब भी मैनेज कर रही है, तो बढ़िया है। बाकी अभी साक्षी के लिए हम भाभी ढूंढ रहे हैं। दोनों मैं इसके लिए ढूंढ रहा हूँ, ये मेरे लिए ढूंढ रहा है।
तो भाई बता देना कमेंट में जल्दी जल्दी से, और जल्दी जल्दी से ढूंढ लेना गढ़वाल भाई के लिए। पहले भैया के, फिर दूसरे भैया की। अभी साक्षी कहाँ जा रही है अब काम करने? अभी तो मेरे को गौशाला का बहुत सारा काम करना है। बहुत मेहनती है यहाँ के दूध पिया के लोग, मतलब मुझे जितना दिखा ना बहुत मेहनती है। साक्षी सुबह से उठ के भाई कितना तो वो लेके आए, वो घास वाला, फिर पलकुंडी लगाया उसने, फिर खाना भी बनाया, और ये ऑर्डर जमा रहा है बार बार, बाकी बहुत जल्दी भैया के 1,00,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं, तो एडवांस में आपको बधाई हो। थैंक यू सो मच। पार्टी भी देंगे? हाँ, पार्टी देंगे बिल्कुल। और साथ में ना भैया व्लॉग भी बनाते हैं और साथ में जॉब भी करते हैं, ठीक है, ऊपर मार्केट में। ठीक है साक्षी, ऊपर आना बिल्कुल, मैं बुला दूंगा, ठीक है। अकेले अकेले मत आइए भाई, तो कहीं इधर का चक्कर लगा देना एक बार, बड़े विशाल का 1,00,000 पे बद्रीनाथ आना है। हाँ, वो मैंने सोचा हुआ है, पर सोचा नहीं है, ब्लॉग में बोल दो अभी। नहीं, वो तो मैंने मतलब मन में सोचा ही हुआ था, इस बार भी मेरे जाने का मन था, पर ठंड बहुत ज्यादा है। बद्री विशाल जरूर आना चाहिए। नहीं नहीं, आएंगे बिल्कुल यार, बद्री विशाल की कृपा है कि इतनी जल्दी जल्दी मतलब मुझे खूब सपोर्ट मिला, प्यार मिला, और बहुत टाइम से कर रहे हैं तो मतलब लोग जानते भी हैं, तब जाकर। अभी हो चुका है रात का समय और मैंने गर्मा गर्म खाना बना के भी रेडी कर दिया है, अभी खाना खाते हैं। और आज ना खाने में मैंने बना रखा है छोले, आलू और गर्मा गर्म रोटियाँ। इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं साक्षी नेगी मिलती हूँ आपको अगले व्लॉग में, तब तक ले बाय बाय, धन्यवाद, जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, गुड नाइट।